ये आपका प्रश्न नंबर पाँच है ये प्रश्न नंबर पाँच आपका दिया गया है और इसमें वही प्रोसेस करेंगे जिस तरह से शेष प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं ये आपका पर, प्रतिस्थापन चल रहा है इसमें भी हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे और हम लोग मान करके हल करेंगे और सभी मानों को जो है कि चेंजिंग करके ले चलेंगे टी में क्योंकि जो यूचिष्ट और निम्निष्ट दिया है ये भी आपका यक्स में मान दिया गया है तो यक्स में जो दिया गया है हम लोग चेंज करके ले चलेंगे किसके पदों में टी के पदों में तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे आपका चेंज किया जाएगा तो इसमें जो है कि हम लोग मानेंगे क्या ठीक है मानेंगे क्या सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि आप लोग इसको मानेंगे क्या किसको हम लोग मानेंगे या दूसरा आप आप जो है उसी राशि को टी मानेंगे कि उसका अवकलन करने पर कोई ना कोई इसमें से राशि प्राप्त हो देखिए यदि हम लोग काश एक्स को यदि टी मानते हैं तो काश एक्स का अवकलन माइनस साइन होता है तो साइन आएगा तो आसानी से सा साइन साइन क्या होगा कट जाएगा ठीक है तो यहां से हम लोग मान लेंगे कि माना काश एक्स बराबर कितना टी समीकरण नंबर क्या मानेंगे एक ठीक है चलिए कॉश एक्स बराबर मान लिया गया अभी यहाँ से हम लोग करेंगे यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है कि आम जो है कि साइन एक्स को भी तो मान सकते हैं मान सकते हैं लेकिन मान सकते हैं लेकिन साइन एक्स को यदि टी मानते हैं और यहाँ पर टी रखेंगे तो साइन एक्स काम कॉस एक्स होगा सिर्फ आएगा वन प्लस क्या टी का स्क्वायर आएगा लेकिन ऊपर भी टी आ रहा है तो आपका कोई भी फार्मूला लागू नहीं किया जाएगा यहाँ से यदि काश एक्स को मानते हैं तो आसानी से एक फार्मूला मिलेगा वो भी फार्मूला आपका मिलेगा टेन इनवर्स किसका एक्स का ठीक है इसीलिए हम लोग कास को मानेंगे तो यहां से एक्स के साथ पे छावकलन करेंगे तो यहां से कास एक्स का अवकलन आपको पता होगा साइन एक्स होता है इक्वल टू टी का अवकलन करेंगे डी तो टी अपन क्या होगा डी एक्स डीएक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो डीएक्स बराबर हो जाएगा इसका सिर्फ चेंजिंग कर देते हैं एक बटा में आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू क्या डी टी समीकरण नंबर कितना दो इतना तो हम लोग फाइन कर लिए इसको टी के पदों में चेंजिंग कर दिया गया है दोनों मानों को यानी कि इसका जो है कॉस्ट बराबर टी हो गया और ये जो है कि टी में आ गया मान लेकिन हम लोग करेंगे क्या अभी पाई को भी टी में बदलना है क्योंकि जो भी पाई का वैल्यू दिया जो भी ये सीमा दिया गया अभी यक्स में है तो बदलेंगे कैसे देखिए जब लिख सकते हैं यदि जब यक्स बराबर यदि हम लोग पाई बाई टू लेते हैं समीकरण एक में यदि देखिए जब भी हम लोग सीमा का मान यहाँ पर रखेंगे टी के पद में निकालने के लिए तो इसमें जो समीकरण नंबर एक में रखेंगे तो यदि हम लोग काश यदि यक्स बराबर पाई बाई टू यहाँ पर रखते हैं तो पाई बाई टू का मतलब आपको पता होगा कि पाई बाई टू का मतलब हम लोग का होता है कितना डिग्री एक सौ अस्सी बाटा में दो एंडिंग की हम लोग बोल सकते हैं इसको कितना डिग्री नब्बे डिग्री तो आपको पता है कि काश नब्बे डिग्री होगा और काश नब्बे डिग्री का मान कितना हो जाएगा जीरो कास्ट नब्बे डिग्री का मान कितना होता है जीरो एक मान निकला चलिए दूसरे पे देखते हैं क्या आता है यदि दूसरी सीमा कह रहा है कि यदि यक्स बराबर हम लोग कितना लेते हैं जीरो तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू जीरो रखते हैं तो कहा जीरो डिग्री का मान कितना होता है एक होता है यानी कि टी बराबर कितना मिलेगा एक समझ में तो ये आ रहा होगा चलिए यही अब मान जो है कि हम लोग इसमें अब रख देंगे रख करके हम लोग क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो हम लोग का समाकलन है उच्चिष्ट सीमा पाई बाई टू टू था लेकिन आया है कितना हम लोग का जीरो और निम्निष्ट सीमा जीरो था तो आया है कितना एक ये तो आपको क्लियर होगा अब यहाँ से हम लोग रख देंगे साइन एक्स बटा में वन प्लस कॉस एक्स कॉस एक्स को क्या माना गया है टी टी का स्क्वायर हो जाएगा इन टू डी एक्स का वैल्यू क्या फाइंड हुआ है यहाँ पर समझ लीजिए माइनस वन अपान है साइन एक्स डॉट क्या है डी टी तो साइन एक्स से साइन एक्स क्या होगा कट जाएगा तो आपका हो जाएगा समाकलन जीरो और वन और ये आपका हो जाएगा वन अपान बच गया वन प्लस टी स्क्वायर डॉट क्या डी टी ठीक है अब फार्मूला लागू होगा फार्मूला होता है वन अपान वन प्लस यदि एक्स स्क्वायर हो या वन बाई टी स्क्वायर प्लस वन हो तो ये फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स का यानी कि इसका समाकलन आपका होगा टेन इनवर्स एक्स लेकिन ये टी में है तो आपका समाकलन हो जाएगा टेन इनवर्स क्या टी और सीमा रख दीजिए जीरो और क्या हुआ ठीक है अब जो यहाँ से टेन इनवर्स तो आपका टी हो गया ठीक है इतना चलिए अब हम लोग यहाँ से सीमा का मान रख देंगे टेन इनवर्स टी का वैल्यू कितना है क्योंकि ये टी में चेंजिंग हुआ था टी का वैल्यू आपका जीरो है माइनस निम्निष्ट सीमा का रखिए टेन इनवर्स वन तो इनवर्स आया है तो ये पूछ रहा है कि आखिर में इनवर्स आया है तो आपको जो है कि कोण लेना है एंगल बताना है कि कितने डिग्री का ये मान है जैसे एंगल कैसे बताएंगे देखिए माइनस ये पूछ रहा है कि टेन जीरो होता है टेन में जीरो डिग्री जो है टेन में जो है कि जीरो मान जो होता है कितने डिग्री का होता है तो ये आपका कितने डिग्री का होता है जीरो डिग्री का माइनस टेन एक टेन में एक यदि इनवर्स नहीं रहता तब तो हम वही डिग्री से मान लेते यानी कि इतने यानी कि टेन जीरो डिग्री का मान कितना होता है लेकिन इनवर्स में है तो ये पूछ रहा है कि टेन में जीरो कितने डिग्री का मान है अब यहाँ से टेन में एक कितने डिग्री का मान है पैंतालीस डिग्री का है तो पैंतालीस को लिख सकते हैं पाई बाई क्या फोर अब यहाँ से जीरो का महत्व नहीं है जीरो को हटा दीजिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस फोर तो ये हो गया आपका क्या दोस्तों आंसर तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको जो है कि वीडियो वीडियो जो है कि अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा यदि अभी तक समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं ये आपका प्रोसेस रहा और यदि आप प्रश्न नंबर छः को देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में ज़रूर जाएँ वहाँ पर जो है प्रश्न नंबर छः आपको इस तरह से मिलते रहेंगे चलिए हम आपको लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर छः में